हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पकौड़े। ये जो है मसाले की लिस्ट दे रखी है। ये देखिए गोभी है, ये बेसन है, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश गोभी है और बेसन। और मसालों की लिस्ट तो हमने दे दी है। ये देखिए मसाले हैंगे हमारे। अब हमने जो है ये कसी हुई गोभी हमने इसे कस लिया है और ये बेसन है और ये मसाले हैं, ये आप देख सकते हैं। अब जो है हम बेसन में गोभी मिक्स करेंगे इसे कसी हुई वाली को। और देखिए जितने की ज़रूरत होगी हम उतनी ही गोभी लेंगे। ये हमने अदरक डाला है कसकर और ये गरम मसाला चाट मसाला है इसे भी हम डाल देंगे। इससे जो है स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है। और ये है साबुत धनिया, हल्का सा हमने क्रश करके डाल दिया है। ये चावल का आटा और इसी में हमने नमक भी डाल दिया है मिक्स करके। ये है पीसा धनिया डालेंगे, ये देखिए। और ये है हल्दी, हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये लाल मिर्च है, इसको जायका चटपटा करने के लिए। ये देखिए हरा धनिया है, बिल्कुल फ्रेश धनिया है, बिल्कुल मिक्स करेंगे अब इसे खूब देर तक। इसे जो है हम हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे, ये देखिए, ताकि नमक मिर्च मसाले सब मिल जाए आटा। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डालते डालते इसे मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरह। ये देखिए थोड़ा थोड़ा होने लगा है ये हमारा मिक्स, ये देखिए खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि नमक मिर्च जो अच्छी तरह मिल जाए। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि ये सही हो जाएंगे पकौड़े बनाने में। बहुत ही अच्छे पकौड़े बनेंगे, बहुत ही स्वादिष्टदार बनेंगे। ये देखिए हमारे जो है मसाला तैयार हो गया, इसके हम जो है अब पकौड़े बनाएंगे। ये देखिए इसके छोटे छोटे जो है हम गोल गोल पकौड़े बना देंगे। चाहे तो हम कढ़ाई हमें डायरेक्ट कर सकते थे, पर ऐसे भी पकौड़े गोभी के बनाए जा सकते हैं। ये देखिए इससे जो है टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होता है, टाइम की बचत होती है। ये देखिए हम इसे बना के रख लेंगे। देखिए आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग भी कोशिश कीजिए बनाने की, घर में ट्राई कीजिए। ये देखिए हमने हमारे जो हैं गोल गोल पकौड़े जो हैं तैयार हो रहे हैं। देखिए ये हम जो है तेल में हम इसे एक एक करके डाल रहे हैं, फ्राई करेंगे अभी इसे। ये देखिए एक एक करके बड़े ध्यान पूर्वक अभी इसे जो है हल्के हल्के हाथों से करछली से जो है चलाएंगे। ये देखिए हल्के हल्के ब्राउन होने लगे, बहुत ही चटपटे, बहुत ही क्रेस्पी हैं ये, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। अभी से जो है हम उतार रहे हैं प्लेट में, हमारे ये जो बन के हैं तैयार हो गए हैं। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए हमारे जो हैं पकौड़े तैयार हो गए। इसे हरी चटनी से खाइए, मीठे सॉस से खाइए। ये देखिए सॉस है, देखिए अब हमने पकौड़ा जो आपको तोड़ कर दिखा दिया है कितना अच्छा लग रहा है ये। आप लोग भी ट्राई कीजिए बनाने की, बहुत ही अच्छे लगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।